Yes, सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि आपके ट्रेलर को देखा मैंने जो सारी बातेंट सहमत हूँ <laughs> सचमुच अच्छा है बहुत मजा मुझे खुद बहुत मजा आया काम करने में और जो आप फनी चीजें के बारे में बात रही वो सचमुच शूट करते वक्त तो बहुत फनी लगी थी और

मुझे बहुत मजा आया मैंने सीजन वन की थी तभी बहुत मजा आया था लेकिन सीजन टू में और ज्यादा इसलिए मजा आया क्योंकि एक तो रणवीर शौरी के साथ काम करने में एक अलग ही उसका अनुभव है तो वो बहुत एक्साइटिंग रहा मेरे लिए लेकिन इस बार वी सरिता जोशी भी हैड ऑल दीज वंडरफुल पीपल ज्वाइनिंग मेट्रो पार्क जो हमारे लिए इतनी एक्साइटिंग बात थी और इस वक्त इस इस टाइम सीजन टू का कॉन्सेप्ट भी हम बहुत ही उमदा लेके आए हैं तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीजन वन में आप हमसे मिले हमें जाना और सी... जैसे हम लोग ने सीजन वन में देखा था इसका इस बार लेवल बहुत हाई लग रहा है और बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे सच में और मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपका जिस तरह से कैरेक्टर है उसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आप रोल प्ले कर रही हैं टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर तो करें। पायल पटेल का जो मेरा कैरेक्टर है जैसे की आप जानते हैं वो एक एन आर आई इंडियन है गुजराती है पटेल फैमिली की है और वो एज मच एज वो इंडियन है एक वो माँ हैीबी है वो घर भी संभालती है लेकिन उनका बाहर पार्लर भी है तो बहुत बिजनेस भी भी है तो वो वो एक बैलेंस बैलेंस इंडियन कहीं पे भी वो पे हो रखना कि घर खाना भी बनाना है लेकिन अपने घर का, का पार्लर भी संभालना है तो बहुत ही मुझे मजा आया पाए का कैरेक्टर करने में उसके बोलने का जो लहजा है उसकी जो एक्सेंट है वो जो अमेरिकन थोड़ा इंग्लिश में डाल के वो जिस तरह बोलती है तो वो मुझे बहुत एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही बहुत ही उमदा अनुभव रहा तो so, मैं यहाँ अभी लॉस एंजलिस में रहती हूँ मेरी फैमिली यहाँ है तो मैं कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ी एनआरआई बन ही गई हूँ अब ना चाहते हुए भी अब मैं तो तो एक एक पे एक एक पे इंडियन का रहना स्पेशली जब वो वो मदर होती है तो वो बहुत सारी में पायल से रिलेट कर पाती हूँ चाहे वो अमेरिकन है लेकिन फिर भी वो थोड़ी अपने वैल्यूज को लेके अभी भी कंजर्वेटिव इंडियन है तो वो चीजें मैं समझ पाती हूँ और मेरे लिए करना कैरेक्टर बहुत ही एंटरटेनिंग रहा क्योंकि रणवीर के साथ काम करना ओमी बेगा हम इन सारे एक्टर्स के साथ काम करना हमारे डायरेक्टर जो हैं अभी वर्गीस और अजय जो राइटर भी हैं शो के वो एक उनके साथ वो भी वहीं से हैं तो उन उन सब के साथ काम करना वो जो माहौल एक सेट हो जाता है मेट्रो पार्क में वो मैंने बहुत अलग माहौल है स्पेशली क्योंकि हम एक बहुत ही क्लोज निट यूनिट साथ में काम करते हैं और इतने साथ वक्त साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रेंडशिप भी है तो सेट पे जाना सचमुच बहुत मजा आता था ओके okay, सो so इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको कितनी डिफिकल्टीज सामना करना पड़ा या फिर बोलूं कि कितना आपके लिए इजी रहा इस कैरेक्टर को यानी इजी भी है डिफिकल्ट भी है क्योंकि पहले जब शुरुआत की थी तो जरा समझना कि उसको मैं किस तरह हटके रखूं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बस एक रेगुलर गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नहीं ये अमेरिका की है इंडियन है लेकिन फिर भी अमेरिका में बसे हुए हैं तो उनकी बोलने की छटा उनका लहजा उनकी एक्सेंट उनपे काम किया लेकिन सचमुच उसके बाद धीरे धीरे बहुत नेचुरली फ्लो हुआ तो मेरे लिए कोई इतना अम्म um, डिफिकल्ट नहीं है और ना तो इतना इजी था लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बहुत नेचुरली आ जाता है तो बहुत मेहनत नहीं लगती ऐसा लग रहा है सचमुच फ्लो में हो रहा है एंड आई एट्रीब्यूट दैट टू माय डायरेक्टर्स एंड माय 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 को एक्टर्स तो आप अपने डायरेक्टर और को एक्टर्स के साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं और कितना एंजॉय की सेट पे? प्रकृति के हैं इतने स्वीट हैं तो मैं उन्हें काफी साताती और उन्हें बहुत मजा भी करती हूँ और सेट पे तो बहुत मजा होता है धमाल होता है आप जब शो देखेंगे और शो के एंड में सारे आउटटेक्स देखेंगे तो आप देखेंगे हम कितना हंस रहे थे और कभी कभी टेक में हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना क्योंकि सचमुच इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतने फनी डायलॉग्स थे तो सचमुच मुझे बहुत मजा आया

भी किया है सेट पे हंसते हंसते और बहुत सी मस्तियाँ की है तो आप देखेंगे शो इट टू यू ओके जिस तरह से आपने बोला कि आपको डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ बहुत ही मजा आया काम करके सो उनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिला सीखने को तो देखिए आप रणवीर शौरी के साथ काम करते तो बहुत कुछ मिलता है वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं बहुत ही तो उनके साथ की, एक काम करने से सीख तो बहुत मिलती है हमारे writer, directors, both of them, उनसे भी काफी सीखा एक ठहराव एक नेचुरल किस तरह naturally perform करना द टॉप ना जाते हुए कॉमेडी को किस तरह अंडर प्ले करके वही चीज को इतनी सादगी से पेश करना कि सामने वाले को फिर भी आए ये सारी चीजें बहुत सीखने मिली तो इट इट वाज वाज फन फन। रियली ऑफ ओके जिस तरह से ये सिचुएशन था पेंडेमिक का और सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन नहीं सब बहुत फेस किए तो शूटिंग कैसे हुई ये जानना चाहूंगी और कहाँ हुई तो शूटिंग तो हम जर्सी में ही करते हैं जहाँ की ये बात है जहाँ का ये परिवार है हम लिटरली वी शूट इट इन न्यू जर्सी मेट्रो पार्क जो एरिया है उसी ही उसी के इर्द गिर्द शूट करते हैं तो uh, शूटिंग में काफी हमें ध्यान रखना पड़ा था कि यू you नो know, कोके पैंडमिक महामारी का वक्त था तो हमारे आ, सेट पे बहुत सारे सारे मास्क के साथ सैनिटाइजर्स फिर कोविड कंप्लायंस ऑफिसर्स रहते थे जो हमारा टेम्परेचर चेक करते थे मास्क पहना है कि नहीं और फिर डॉक्टर्स हमारे सेट पे आते थे किसी को टेस्ट करवानी हो अम्म बहुत मीटिंग्स होती थी हम सब साथ ही में एक अलग अलग जगहों पे रह रहे थे लेकिन अः हम सिर्फ सेट पे आते थे और सेट से घर जाते थे ना तो किसी से मिलना ना ज्यादा लोगों के साथ इंटरक्ट करना तो आ, बहुत ध्यान रखा गया और बहुत ही जैसे कहे डिसिप्लिन के साथ पूरा ऑडियंस okay, so तो को इंट्रैक्ट देखने के लिए, तो, हाँ, लिए उत्सुखा हाँ, तो मेरे लिए सबसे पहले मेट्रो पार्क तो एक ओ टी प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा शो है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं क्योंकि बहुत कम शो आजकल ऐसे होते हैं जो आपके परिवार के साथ देखने को आपको स्ट्रेस हो तो मेट्रो पार्क एक ऐसा शो है जो आप अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं दूसरा ये कि इस पैंडमिक में हम सब बहुत ही दुखी हुए हैं हमने सबने बहुत कठिनाइयां फेस की हैं, तो कहीं ना कहीं एक लाइट हार्टेड कॉमेडी से आपने आ, 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 साल की शुरुआत करें मेट्रो पार्क देख के और तो हंसे ह्यूमर uh, एंजॉय uh, करें अपनी लाइफ में और तीसरा ये कि इस बार मेट्रो पार्क में सरिता जी भी आ रहे हैं सोमन भी आ रहे हैं हमारे फैमिली में जुड़ रहे हैं हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कैसे वो ट्रैक्स जाने वाले हैं ये सब देखने के लिए भी मेट्रो पार्क देखे क्योंकि अब हम सचमुच मेट्रो पार्क सीजन टू सीजन वन से कहीं ज्यादा बेहतर बेटर क्रेजियर और से से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और आपको कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट में लगी कि आपको पसंद आया और आपको लगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए तो ये जब मेरे लिए मेरे पास प्रोजेक्ट आया था तो रणवीर ने मेरा कहा था कि आई थिंक ये तो कैरेक्टर किरदार मुझे लगता है पूर्वी को ही निभाना चाहिए आँ... अच्छा काम बहुत बहुत अच्छी सूट करेंगी इस पे तो जब मेरे पास आया रणवी ने कहा पढ़ो और तुम्हें क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक आई एम टू प्ले व्हाट डू यू थिंक तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत टाइम से एक तो सिटकॉम नहीं आया है ऐसी कॉमेडी लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी और सबसे ज्यादा ये हमने इंडियन एनआरआई इमिग्रेंट के बारे में बहुत कम शोज बने हैं यू you नो know, हम हमेशा इंडियंस इंडिया में जो इंडियंस है उन पे फोकस करते हैं लेकिन इंडियंस जो बाहर बसे हैं जो इतने सारे तादाद में बाहर बसे हैं उसपे बहुत कम शोज या तो और फिर मैंने पायल का कैरेक्टर किरदार पढ़ा तो मुझे लगा सचमुच बहुत मजा आएगा उसका लहजा उसकी बोलने की स्टाइल उसकी अदा मुझे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो तभी मैंने कहा जरूर मैं इस शो का हिस्सा बनना चाहूंगी आप कौन सा ऐसा जॉनरा है उसमें जाना चाहेंगे कि हाँ ये जॉनरा रहा अभी करना है जो आप अपने माइंड में मुझे, तो मैंने ऐसा कभी सोचा आप तो पैंडमिक है तो अभी देखेंगे प्रोजेक्ट्स जब सेफ हुआ तब कहा किस तरह जा रही है लेकिन मेरे लिए कभी कभी ऐसा ये ये नहीं मैंने कभी ये पहले से तय नहीं किया कि मैं यही जॉनरा करूंगी या कॉमेडी ही करूंगी या यही करूंगी या डेली सोप करूंगी या एनी थिंग लाइक दैट मैंने हमेशा अपने आप को वो आजादी दी है कि एज uh, अ कलाकार मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जो मुझे करने में बहुत मजा आए मुझे चैलेंजिंग लगे मुझे लगे कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ मैं कुछ एक अपने आप को एज अभिनेता अभिने एक और एक हायर लेवल पे लेके जा सकती हूँ तो कहीं कहीं ना कहीं मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जब कोई आता है तो मैं जरूर हाँ कहूंगी मेरे लिए जॉनरा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना या कौन से यू नो प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट और वो कॉन्सेप्ट और अगर और किन लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए जब आएगा तो मैं जरूर करूंगी ओके okay, अगर सेट की बात करूं तो ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपके सेट पे कौन से ऐसे को एक्टर हैं जो आपको परेशान करते थे या फिर आपको मस्ती से आपको डराते थे या फिर कुछ परेश किया होगा तो मैं नहीं किया होगा लोगों को परेशान मैं मैं काफी गुंडी हूँ सेट पे तो सेट का गुंडा अगर कोई है तो मैं हूँ लेकिन आ, मुझे आ, में तो आप ऐसा आपने नहीं किसके तो आप... रणवीर सब... के, सब... सब... के साथ तो तो रणवीर के साथ तो बहुत मैं करती क्योंकि हमारी मस्तियां चलती रहती है इनको मैं दो हजार तीन से जानती हूँ मेरे दोस्त है हमने काम किया है साथ में तो कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री कंफर्ट लेवल है तो उनके साथ तो मैं बहुत मस्ती करती हूँ लेकिन सभी के साथ यूनिट में ऐसे ऐसा जरूरी है सारे एक्टर्स जो हमारे टेक्निकल स्टाफ था बहुत सारे गोरे भी थे तो उनको लैंग्वेज नहीं आती थी फिर भी वो यू नो दे पार्ट ऑफ दिंग क्योंकि ट्रांसलेट होता था इंग्लिश में उनके लिए स्क्रिप्ट पे तो उनके साथ काफी मजाक मस्ती भी की बहुत बार उनको भी हमने टेक्स में लेके आए हैं हम हमारे साथ काम करवाया उनके साथ तो उनके साथ काम करना बहुत मजा आया मुझे कि ये भाषा ना जानते हुए हमारा कल्चर ना जानते हुए फिर भी इतना अच्छे इंटेग्रल पार्ट थे हमारे शो के तो उनके साथ मैंने सचमुच बहुत मजाक मस्ती की और बहुत हंसी भी आई मुझे उनके साथ काम करके एंड देखिए so, मैं अभी हेलो वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज थैंक यू ओके एक्सपीरियंस कैसा रहता है इंडिया से फिर उधर शिफ्ट होना किस तरह से आपको बैलेंस बनाना पड़ता है या फिर किस तरह से आपकी एडजस्टमेंट तो, हुई जिस तरह से आपके स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है हाँ जी तो मैंने या? मेरा इंडिया ऐसा नहीं कि मैं एक दिन निकल गई और फिर आई ही नहीं ऐसा नहीं मेरा बहुत ट्रांजिशन बहुत आराम से हुआ मेरी शादी जब 2014 में हुई इसके बाद मेरे प्रोजेक्ट थे मैं 15 16 2016 तक इंडिया में काफी आ रही थी चार चार पांच पांच महीने अपने कॉमेडी सर्कस हो कॉमेडी क्लासेस ये सारे शोज करके मैं जाती थी 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 फिर दो तीन महीने रहती वापस yeah. आती बट आफ्टर हैड माय चाइल्ड थोड़ा ऑब्वियसली इतना मूव करना डिफिकल्ट हो सचमुच बहुत ही आराम से हुआ कोई किसी को ऐसा झटका नहीं लगा कि अरे बाबा ये तो चली गई अब आई नहीं इतने सालों से मैं हर साल इंडिया आती हूँ uh, अब ऑब्वियसली लास्ट ईयर ये साल आना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज ऑफ पैंड बट मैं हमेशा आती हूँ और वो मेरी जन्मभूमि है तो आ, आ, मैं जितना हो सके उतना वहाँ पे मेरे लोग मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स मेरा काम है तो जितना हो सके मैं वो रिश्ता बनाती हूँ तो अम्म ट्रांजिशन बैलेंस की बात है जितना मैं टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकू इंडिया में यही मेरी इच्छा है और अच्छा काम करूँ इसलिए ओके एंड लास्टली आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से ऑडियंस ने इस ट्रेलर को पसंद किया है सो so फाइनली ये रिलीज होने वाली है तो ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे आ... आई वुड लाइक टू से प्लीज वॉच मेट्रो पार्क फैमिली व्यूविंग शो है हंसीे आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देखिए अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज रणवीर शौरी का परफॉर्मेंस देखिए एंड जनरली जस्ट एंजॉय द शो पैंडमिक में हम सब इतनी दुख से गुजरे हैं तो अब वक्त है जरा हम इंजॉय करें शो का तो दिस इज वॉट आई वुड आज दम टू डू